कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में आमजन की सुविधा के लिए की जा रही व्यवस्था को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सतत समीक्षा की जा रही है। इस क्रम में आज उन्होंने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विविध दिशा निर्देश दिए। हम लोगों ने अलग अलग विभागों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या ना हो, इस पर विशेष ध्यान दें। उत्तर प्रदेश की कार्य योजना को हम कोरोना के खिलाफ निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहल्ले के किराने की दुकानों को भी इस हिदायत के साथ खोल रही हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। केंद्र सरकार ने कल 1,75,000 करोड़ का एक आर्थिक पैकेज भी इस देश के दैनिक श्रमिकों, गरीबों, किसानों, महिलाओं व समाज के निर्बल तबके के लिए घोषित किया है। अतः हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों से और प्रदेश के बाहर रह रहे समस्त नागरिकों से भी मेरी अपील है कि जो जहां है वहीं रुके। सरकार उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखेगी, कोई समस्या उनके सामने न आने पाए, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। 21 दिन की यह लॉकडाउन की कार्रवाई आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे समाज और देश के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोविड-19 के खिलाफ देश ने जो लड़ाई छेड़ी है, इसमें हम सबको सहभागी बनना चाहिए और सरकार जो कह रही है, हमें उसके साथ जुड़कर पूरे लॉकडाउन कार्रवाई को सफल बनाना है। यह हमारी सबसे अपील है।